नमस्कार। प्रादेशिक समाचार दर्शन के इस अंक में आप सभी का स्वागत है। प्रादेशिक समाचार दर्शन के माध्यम से हम आपको पिछले दिनों प्रदेश भर में हुए महत्वपूर्ण कार्यक्रमों की जानकारी देते हैं। आइए इस अंक की शुरुआत करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में प्रदेश में गरीब कल्याण सप्ताह मनाया जा रहा है। इसी के तहत इंदौर में पिछले दिनों एक कार्यक्रम में महिलाओं के स्व सहायता समूहों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए 1.5 करोड़ रुपए की राशि दी गई। पेश है एक रिपोर्ट। जिले के सांवेर में आयोजित इस कार्यक्रम में 113 महिला स्व सहायता समूहों को इस योजना के तहत नगद आर्थिक सहायता से लाभान्वित किया गया। इस अवसर पर जल संसाधन मंत्री तुलसीराम सिलावट ने कहा कि महिला समूह इस नगद साख के माध्यम से आंतरिक लेन देन कर छोटी छोटी आजीविका की गतिविधियां प्रारंभ कर सकेंगे। श्री सिलावट ने कहा कि इस आर्थिक मदद से महिलाएं किराना, खाद्य सामग्री निर्माण सहित अन्य लघु उद्यमिता के माध्यम से स्वरोजगार से जुड़ सकेंगी। कार्यक्रम में महिला एवं बाल विकास विभाग ने बताया कि इंदौर जिले में 2,448 स्वयं सहायता समूह बनाकर 26,656 ग्रामीण परिवारों को इनसे जोड़ा गया है। इसके माध्यम से सैकड़ों युवाओं और महिलाओं को रोजगार मिला है। प्रादेशिक समाचार दर्शन के लिए इंदौर से मैं मनिंद्र कुमार दुबे। गरीब कल्याण सप्ताह के अंतर्गत पूरे देश के साथ ही पश्चिमी मध्य प्रदेश के आदिवासी बाहुल्य धार जिले में भी प्रतिदिन जन कल्याणकारी योजनाओं के माध्यम से हितग्राहियों को सीधे लाभान्वित करने के लिए कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता। हाल ही में प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने प्रदेश के 22 लाख से अधिक किसानों को खरीफ 2019 की फसल बीमा दावा की राशि 4,688 करोड़ 83 लाख का ई अंतरण के माध्यम से भुगतान किया। इसमें धार जिले के 1,05,161 कृषकों के खातों में 195 करोड़ 47 लाख रुपए की राशि का हस्तांतरण किया गया। विगत 3 मौसम में जिले के लगभग 3.25 लाख किसानों को प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का लाभ मिला है। धार जिले के बदनावर में प्रदेश के औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन मंत्री राजवर्धन सिंह दत्तीगांव और धार जिला मुख्यालय पर कृषि विज्ञान केंद्र पर धार विधायक नीना वर्मा व अन्य जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों की उपस्थिति में आयोजित कार्यक्रम में लाभार्थी किसान हितग्राहियों को प्रमाण पत्र भी वितरित किए गए। इस दौरान मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से धार जिले के किसानों से सीधा संवाद भी किया। प्रादेशिक समाचार दर्शन के लिए धार से मैं सुनील सचान। मंदसौर में पोषण महोत्सव सप्ताह में पोषण मटका अभियान चलाया जा रहा है। क्या है ये अभियान, बता रहे हैं हमारे संवाददाता। सबसे पहले पोषण मटका अभियान की शुरुआत मंदसौर जिले से ही शुरू हुई थी। दरअसल लॉकडाउन में मंदसौर के ग्राम बुनियाखेड़ी की आंगनवाड़ी कार्यकर्ता अर्चना परमार ने ग्रामीणों की मदद के लिए आगे आकर गांव के ही संपन्न ग्रामीणों से अनाज एकत्रित कर गरीबों में वितरण किया था। इसके बाद यहीं से जिले में यह मुहिम शुरू हो गई। शुरुआत में ग्रामीणों द्वारा दिए जाने वाले पोषक आहार को पाली बैग में लिया जाता था, लेकिन इसके बाद आंगनवाड़ी में मटके रखना शुरू कर दिए गए, जिनमें ग्रामीण पोषक खाद्यान्न सामग्री रख जाते हैं। आंगनवाड़ी कार्यकर्ता जरूरत के हिसाब से इन पोषक आहार को कुपोषित बच्चों के घर पहुंचा देती है। आंगनवाड़ी में पोषण मटका अभियान शुरू करने के पीछे मुल्तानपुरा सेक्टर प्रभारी ज्योति नेहवाल बताती है कि कमजोर लोगों के लिए दान ले संपन्न लोगों से, और इसी तरीके से हम एक दान की परंपरा भी बढ़ेगी और साधन संपन्न भी हमारे परिवार होंगे और पोषण की जो कमी है वो किसी न किसी तरह हमारे इस पोषण मटके से हम कोशिश करें कि पूरी कर पाएं और हमारे कुपोषण से जंग हम लड़ पाएं। प्रादेशिक समाचार दर्शन के लिए मंदसौर से मैं दीपक शर्मा। उमरिया में गरीब कल्याण सप्ताह के दौरान वनाधिकार उत्सव का आयोजन किया गया। इस आयोजन में 1,118 आदिवासियों को पट्टे वितरित किए गए। ये वो आदिवासी है जिनके दावे पूर्व में निरस्त कर दिए गए थे। पेश है हमारे उमरिया संवाददाता की रिपोर्ट। इस विषय पर आकाशवाणी को जानकारी देते हुए आदिम जाति कल्याण विभाग के सहायक आयुक्त आनंद राय सिन्हा ने बताया, वनाधिकार के निरस्त प्राप्तों की संख्या आदिवासियों की 10,730 के लगभग है। इनके पुनर्परीक्षण के कार्य और उनको पुनः दावे देने के कार्य लगातार चल रहा है। इस आयोजन से लाभान्वित आदिवासी दीनदयाल गोंड ने बताया कि उसका परिवार कई पुश्तों से भूमि पर काबिज था। उसे अब जाकर प्रदेश सरकार से मिले वन भूमि के अधिकार पत्र से वह आज बहुत खुश है। तीन पीढ़ी से जमीन जोत रहे हैं, अधिकार पत्र मिल गया, सरकार को धन्यवाद दे रहे हैं। प्रादेशिक समाचार दर्शन के लिए उमरिया से मैं संतोष गुप्ता। शिवपुरी जिले में गरीब कल्याण सप्ताह के अंतर्गत विभिन्न हितग्राही योजना चलाई जा रही है। अधिक जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत फसल बीमा भुगतान कार्यक्रम का आयोजन किया गया।
इस कार्यक्रम में जिले के लगभग 8,000 किसानों को 5 करोड़ से अधिक की राशि उनके खातों में पहुंचाई गई। इसके अलावा वन अधिकार उत्सव के तहत प्रदेश के सहकारिता मंत्री अरविंद भदौरिया ने 25 हितग्राहियों को वन अधिकार प्रमाण पत्र जिला मुख्यालय पर प्रदाय किए। वहीं रविवार को ऋण वितरण कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मध्य प्रदेश ग्रामीण आजीविका समूह की बहनों से संवाद किया। इस दौरान मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने शिवपुरी जिले के विकास खंड करेरा के ग्राम खैराघाट के खाती बाबा समूह की बहनों से संवाद किया। अपने संवाद के दौरान मुख्यमंत्री ने समूह की महिलाओं को इसी प्रकार आगे बढ़ने और बेहतर कार्य करने के लिए प्रेरित किया। शिवपुरी से प्रादेशिक समाचार दर्शन के लिए रंजीत गुप्ता। नरसिंहपुर जिले में भी गरीब कल्याण सप्ताह के तहत कई आयोजन किए जा रहे हैं। पेश है हमारे नरसिंहपुर संवाददाता आशीष जैन की रिपोर्ट। 16 सितंबर को नरसिंहपुर जिले में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अनुरूप मुख्यमंत्री अन्नपूर्णा योजना के अंतर्गत अन्न उत्सव का शुभारंभ राज्यसभा सांसद श्री कैलाश सोनी की मुख्य आतिथ्य व विधायक श्री जालम सिंह पटेल की अध्यक्षता में संपन्न हुआ। इस आयोजन में 13,000 से ज्यादा परिवारों के 42,000 से ज्यादा हितग्राहियों को लाभ मिलेगा। इसी तरह 17 सितंबर को पोषण महोत्सव के तहत विधायक श्री पटेल ने पोषण प्रबंधन रणनीति पुस्तिका का विमोचन किया। पोषण आहार पात्र व्यक्ति तक पहुंचे, कुपोषण समाप्त हो, सुपोषण आए, उसके लिए काम किया गया है। 18 सितंबर को प्रधानमंत्री फसल बीमा वितरण का कार्यक्रम आयोजित हुआ, जिसमें विधायक श्री पटेल ने प्रतीक स्वरूप किसानों को फसल बीमा की राशि के प्रमाण पत्र प्रदान किए। वहीं 19 सितंबर को विधायक श्री पटेल ने जिले में वनाधिकार उत्सव का शुभारंभ किया, जिसमें प्रतीक स्वरूप हितग्राहियों को वन अधिकार प्रमाण पत्र वितरित किए गए। 492 वन अधिकार प्रमाण पत्र वितरित किए गए। इसके बाद 20 सितंबर को जिला स्तरीय क्रेडिट कैंप कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें प्रतीक स्वरूप महिला स्व सहायता समूहों को ऋण राशि के चेक वितरित किए गए। सीहोर जिले में गरीब कल्याण सप्ताह के अंतर्गत स्व सहायता समूह के सशक्तिकरण और ऋण वितरण शिविर का आयोजन स्थानीय शासकीय खेलकूद संस्थान के सभागार में किया गया। अधिक जानकारी के साथ जुड़ गए हैं हमारे संवाददाता। इस मौके पर प्रदेश के सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम एवं विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग मंत्री श्री ओम प्रकाश सखलेजा ने जिले के क्रियाशील 258 स्व सहायता समूह की महिलाओं को 29 लाख की चक्की राशि तथा 198 समूह को 2 करोड़ 20 लाख का बैंक ऋण बैंक लिंकेज के आधार पर वितरित किया। साथ ही मंत्री श्री सखलेजा ने नाबार्ड के सहयोग से रूरल मार्ट की स्थापना के लिए 2,35,000 राशि के चेक वितरित किए। कार्यक्रम में लगभग 300 स्वतः समूह की महिलाएं उपस्थित रही। इस समारोह को संबोधित करते हुए मंत्री श्री ओम प्रकाश सखलेचा ने अपने संबोधन में कहा कि सीहोर में विभिन्न प्रकार के ट्रेनिंग सेंटर खुलवाए जाएंगे, जहां से महिलाएं ट्रेनिंग लेकर अपनी रुचि के क्षेत्र में बेहतर कार्य कर पाएंगी। कार्यक्रम में ही मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान का लाइव प्रसारण भी महिलाओं को दिखाया गया। प्रादेशिक दर्शन के लिए सीहोर से प्रदीप सिंह चौहान। गरीब कल्याण सप्ताह के तहत अशोकनगर में 212 आदिवासी हितग्राहियों को वन अधिकार पट्टे वितरित किए गए। और ब्यौरा हमारे अशोकनगर संवाददाता से। अशोकनगर जिला वन अधिकारी अंकित पांडे का कहना है कि वन अधिकार अधिनियम 2006 के अंतर्गत ऐसे आदिवासी जनजाति वर्ग के लोग जो 13 दिसंबर 2005 से पूर्व वन की भूमि का उपयोग खेती के लिए या आवास के रूप में करते आ रहे हैं, उन्हें वन अधिकार पट्टी दिए जा रहे हैं। जो भी शेड्यूल ट्राइब यानी जनजातीय वर्ग के लोग या जंगल में निवास करने वाले लोग हैं, जो 13 दिसंबर 2005 से पूर्व से उस जमीन का अधिभोग कर रहे हैं, या तो खेती के लिए या फिर निवास के लिए, ऐसे सभी पात्र हितग्राहियों को आज 212 के करीब वनाधिकार पट्टे वितरित किए गए हैं। जिला तथा ब्लॉक मुख्यालय पर आदिम जाति कल्याण विभाग द्वारा आयोजित कार्यक्रम में 212 वन अधिकार पट्टों का वितरण किया गया। वन अधिकारी श्री पांडे ने बताया कि मुख्यमंत्री श्री चौहान ने वनवासियों से अपील भी की है कि अब वनों की सुरक्षा करना है, वनों को बचाना है तथा नवीन वन भूमि पर अतिक्रमण नहीं करना है। समाचार दर्शन के लिए अशोकनगर से नीरज शुक्ला। शहडोल जिले में राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन स्व सहायता समूहों के माध्यम से हजारों महिलाओं को रोजगार देने का काम किया जा रहा है। कोरोना काल में स्व सहायता समूहों को करोड़ों रुपए का कर्ज देकर कारोबार के लिए प्रेरित किया गया है। इस बारे में अधिक जानकारी दे रहे हैं हमारे शहडोल संवाददाता। शहडोल के एनआईसी में महिला स्व सहायता समूहों के सशक्तिकरण के लिए ऋण वितरण एवं समूह की महिला सदस्यों के लिए सीधा संवाद कार्यक्रम का आयोजन किया गया। राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के जिला प्रबंधक पुष्पेन्द्र सिंह ने बताया कि जिले के 1757 स्व सहायता समूहों को 15,60,00,000 रुपए का कर्ज इस वर्ष विभिन्न बैंकों के माध्यम से दिया गया है। जिले की 468 महिला स्व सहायता समूहों को सितंबर महीने में 7,83,50,000 का कर्ज दिया गया।
महिलाओं को स्वावलंबी बनाने के लिए यह मजबूत आधार है। प्रादेशिक समाचार दर्शन के लिए शहडोल से मैं अरविंद पांडे। होशंगाबाद जिले के केसला ब्लॉक की पंचायत बावड़ी खुर्द को दीनदयाल उपाध्याय पंचायत सशक्तिकरण पुरस्कार के लिए चुना गया है। देश के 28 राज्यों की 213 पंचायतों में जिले की ये पंचायत भी शामिल है। ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे होशंगाबाद संवाददाता तनुज तिवारी। होशंगाबाद जिले के केसला ब्लॉक की बावड़ी खुर्द पंचायत स्वच्छता और सभी रिकॉर्ड के बेहतर रखरखाव में सर्वेक्षण के दौरान खरी उतरने पर इस पुरस्कार के लिए क्वालिफाई किया है। इसके पहले केसला ब्लॉक की दो पंचायतों के नाम दीनदयाल उपाध्याय पंचायत सशक्तिकरण पुरस्कार के लिए प्रस्तावित किए गए थे। प्रदेश स्तर की टीम ने अपने सर्वे में बावड़ी खुर्द को उचित पाया। गौरतलब है पंचायती राज मंत्रालय भारत सरकार के संयुक्त सचिव डॉक्टर संजीव जोशी ने 28 राज्यों के प्रमुख सचिवों को दीनदयाल उपाध्याय पंचायत सशक्तिकरण पुरस्कार 2020 की जानकारी दी थी। इनमें जिला जनपद और ग्राम पंचायत को अवार्ड मनी भी जारी की जाएगी। पुरस्कार के लिए चयनित बावड़ी खुर्द पंचायत को 8,00,000 रूपये मिलेंगे। पंचायत की बागडोर महज 10वीं पास गणेश उइके के हाथों में है, जो लगातार तीसरी बार सरपंच बने हैं। स्वच्छता सर्वेक्षण 2021 में जबलपुर नंबर 1 आए, इसी के लिए नगर निगम ने अब पुख्ता तैयारी की है। इसी पर ज्यादा जानकारी दे रही हैं हमारी जबलपुर संवाददाता। शहर में स्वच्छता लाने के लिए अब नगर निगम के 80 अधिकारी फील्ड में उतरकर मोर्चा संभालेंगे। रोजाना वार्डों में घूमकर सफाई व्यवस्था का जायजा लेकर रिपोर्ट बनाएंगे। इसके आधार पर जोन यानी संभागों की रैंकिंग तय की जाएगी। निगमायुक्त अनूप कुमार सिंह ने शहर के सभी 16 जोनों के हिसाब से अधिकारियों की ड्यूटी लगाकर जिम्मेदारी तय कर दी है। दरअसल इस बार की स्वच्छता रैंकिंग में इंदौर भोपाल की तुलना में जबलपुर काफी पीछे रहा। लिहाजा स्वच्छता सर्वेक्षण 2021 में अब बलाने नगर निगम ने इस बार और पुख्ता नतीजा हासिल करने यह कवायद शुरू की है। प्रादेशिक समाचार दर्शन के लिए जबलपुर से मैं सुरभि। खंडवा में क्रेडिट कैंप कार्यक्रम के तहत महिला स्व सहायता समूहों का ऋण वितरण का जिला स्तरीय कार्यक्रम आयोजित किया गया। विस्तार से जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता। क्रेडिट कैंप कार्यक्रम के तहत महिला स्व सहायता समूहों का ऋण वितरण का जिला स्तरीय कार्यक्रम खंडवा विधायक देवेंद्र वर्मा की अध्यक्षता में सम्पन्न हुआ। कार्यक्रम में विधायक श्री वर्मा ने कहा कि आज का दिन स्व सहायता समूह से जुड़े लोगों के लिए यादगार दिन सिद्ध हुआ है। महिला स्व सहायता समूह ने तो कोविड-19 के कठिन समय में अपने साहस से आत्मनिर्भर होने की राह खुद चुनी। जीवन शक्ति योजना में मास्क बनाकर स्वास्थ्य विभाग, मेडिकल स्टोर्स और ग्राम पंचायतों को उपलब्ध करवाए। यही नहीं, पीपीई किट्स, सैनिटाइजर भी तैयार किए हैं। उन्होंने कहा कि जिले में लगभग 500 समूह कार्य कर रहे हैं। प्रादेशिक समाचार दर्शन के लिए मैं खंडवा से हीरालाल लोंगरे। रायसेन जिले में कोरोना वायरस संक्रमण के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। जिले में अभी तक 1076 पॉजिटिव मरीज मिले हैं। हालांकि राहत की बात यह है कि 838 कोरोना पॉजिटिव मरीजों को उपचार के बाद स्वस्थ होने पर डिस्चार्ज किया गया है। पेश है हमारे संवाददाता की रिपोर्ट। कोरोना संक्रमण से निपटने और इसका बेहतर इलाज जिला अस्पताल में मरीजों को मिल सके, इसके लिए 90,00,000 रूपये की लागत से अत्याधुनिक आईसीयू वार्ड बनाया गया है। इसमें 8 वेंटिलेटर भी लगाए गए हैं। अब रायसेन जिले के कोविड प्रभावित मरीजों को भोपाल रेफर नहीं किया जाएगा, साथ ही गंभीर मरीजों का जिला चिकित्सालय में ही उपचार किया जा सकेगा। पिछले दिनों स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर प्रभुराम चौधरी ने इसका उद्घाटन किया। जिला अस्पताल में ही एक अत्याधुनिक पैथोलॉजी लैब भी बनाई जा रही है। सभी टेस्ट जिला चिकित्सालय में ही किए जा सकेंगे। पैथोलॉजी लैब में अत्याधुनिक मशीन से 1 घंटे में 400 टेस्ट किए जाएंगे। ये अत्याधुनिक पैथोलॉजी मशीन जिला चिकित्सालय के अलावा केवल हमीदिया अस्पताल में ही है। जिले के 9 प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों सहित प्रदेश के 50 प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों को ई संजीवनी टेलीमेडिसिन सेवा के माध्यम से एम्स से जोड़ा गया है। मरीजों को एम्स के विशेषज्ञ चिकित्सकों से उपचार हेतु परामर्श प्राप्त हो रहा है। रायसेन से मैं दीपक कांगर। प्रादेशिक समाचार दर्शन के इस अंक में फिलहाल इतना ही। अगले सोमवार शाम 6:45 फिर आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार। आलेख और वाचन स्वर संयुक्ता बैनर्जी, प्रस्तुति प्रादेशिक समाचार एकांश भोपाल।